तो ये पूरा एरिया देख सकते हैं फ्रेंड्स। आज के इस नए वीडियो में सभी का स्वागत है। आज के दिन काफ़ी कम भीड़ है, उस दिन काफ़ी ज़्यादा था यानी मंडे के दिन। यहाँ पे देखिए बच्चे कुछ लोग आए दर्शन करने के लिए, और पिछले बार का रिकॉर्ड भी टूट गया है। 2 साल बाद आए हैं फ्रेंड्स दर्शन करने के लिए सभी लोग, तो इसकी वजह से रिकॉर्ड टूट गया था। यानी बहुत से लोग आए थे दर्शन करने के लिए यहाँ पे। अमन पांडे जिसको हिंदू उन्होंने शास्त्र किया था ये पूरी सीढ़ियाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये सीढ़ियाँ हैं और चढ़ने के लिए, और बगल में आप सभी को बहुत बार आपने देखा होगा कि बगल में शौचालय सीढ़ी भी बनाया गया है। आइए सोमवार के बाद मंगलवार का नज़ारा देखिए यहाँ पे कैसा है, कितनी भीड़ है। इधर का द्वार पूरा बंद हो चुका है, यानी एक लाइन बस खोली गई थोड़ी सी। भीड़ लग गई, अब ज़्यादा भीड़ होगा। और ये रेलिंग लगाई गई है यहाँ पे शिव भक्तों के लिए, जो बराबर दर्शन के लिए ना आकर मंडे के दिन आए हुए थे। ये देखिए पूरी रेलिंग सजाई गई है। तो इसी रेलिंग के अंदर से लोग आ रहे थे दर्शन करने के लिए। देखिए यानी जो यहाँ पे चीज़ें होती थी वो इस साइड होने लगी हैं। भारत माता टेंपल मूर्ति है, यात्रा का नज़ारा देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और वो एरिया पूरा अंदर यही द्वार गेट नंबर 1, और यहाँ से दर्शन वगैरह करने आसानी से जा सकते हैं। और यहाँ पर भी अब प्रसाद का दाम काफ़ी हाई हो गया है, क्योंकि जो 200 ग्राम का लड्डू हुआ करता था 50 रुपये, 100 ग्राम, 100 रुपये, 200 ग्राम। तो यहाँ पे लड्डू सस्ता हो गया है फ्रेंड्स, महंगा नहीं हुआ है। जो 200 ग्राम का लड्डू था यानी महाप्रसाद मेवा लड्डू, वो 100 रुपये में 200 ग्राम, और 200 रुपये में 400 ग्राम मिल रहा है। और महाप्रसाद लड्डू 50 रुपये में 100 ग्राम भी मिल रहा है। तो यहाँ पे जो 200 ग्राम लड्डू 200 रुपये में मिल रहे थे वो बाहर हैं, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी है फैसिलिटी, सुविधाएं देख सकते हैं। पूरा एरिया काफ़ी कम हो गया है, काफ़ी खाली हो गया है, देख सकते हैं पूरा। दर्शन के लिए इसमें जाना है, तो ये देख सकते हैं रेलिंग के अंदर से जाना है दर्शन करने के लिए। ये लगभग 1 महीने तक ऐसे रेलिंग लगी रहेगी और ऐसे ही दर्शन
करना पड़ेगा। देखिए फिर उसके बाद यहाँ से एंट्री ऐसे लेनी है, उसके बाद इधर से निकल जाना है। एक बार फ्रेंड्स दर्शन मैं भी चाह रहा हूँ करने के लिए, लेकिन मैं रोज़ ही आता हूँ। और चम्मच पानी मिला तो दर्शन ऐसे कर ही लेता हूँ, बस अंदर जाने की देर है। श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल सावन न्यू रेट लिस्ट। तो यहाँ पे अलग अलग रेट दिखा गया है सावन का, तो कुछ काफ़ी अच्छा बनाया गया। अमृत भवन सामने देख सकते हैं, और ये दर्शन करने के लिए सभी लोग तो अंदर से ही दर्शन करने जाना है दोस्तों। कुछ देर में है, कुछ समय बाद, एक आध दो महीने बाद ये नीम का पेड़ काफ़ी बड़ा हो जाएगा और काफ़ी छाया देगा, इसके लिए ही इस परिसर में ये लगाया गया है। पूरा एरिया देखिए रेलिंग लगा दिया गया है यहाँ पे। देखिए पूरी रेलिंग लगाई गई है, कैसे क्या करना है, कैसे जाना है, कैसे आना है, सब कुछ अलग तरीके से व्यवस्थित किया गया यहाँ पे। रेलिंग कैसे लगाई गई है फ्रेंड्स, रेलिंग की व्यवस्था ऐसे है जैसे आप बाहर नहीं जा सकते हैं, इसी रेलिंग के सहारे जाएंगे आएंगे। देख सकते हैं रेलिंग ही रेलिंग पूरा। देख सकते हैं काफी लंबी लाइनें लगी हुई यहाँ पे, लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए। सकते हैं लोग अभी भी भारी संख्या में आ रहे दर्शन करने के लिए आज के दिन भी, क्योंकि मंडे को शायद नहीं हो पाया था या फिर देर से पहुंचे हैं लोग। यहाँ पे देख सकते हैं कार्तिकेय संकुल, जहाँ से गाड़ियाँ आनी थी वो जगह पूरा बना दिया गया है रेल लगा के आने जाने का। इलेक्ट्रिक रूम, वायरिंग का पूरा साजो सामान रखा गया यहाँ पे, साज सज्जे का। तो ये देखिए पूरा एरिया, मानसरोवर
फुल है पूरा ये। तो ये देखिए कैसे बनाया गया है सब कुछ, बल्ली नीचे लगाया गया, ऊपर रेलिंग लगाए गए हैं। इसी के अंदर से सभी लोगों को आना जाना है। अरे घुस दे, घुस जा दे रहा था भाई, ये भी बताओ तू। तो ये इसी के अंदर से फ्रेंड्स आना है, जो मैं अभी बल्ली के अंदर हूँ और इस बल्ली के अंदर से ही जाना है। बाहर रेलिंग लगाई गई है क्योंकि यहाँ पे वो नहीं लग सकता, रेलिंग नहीं लग सकता की वजह से ये बल्ली खड़े किए गए हैं, लाइन वाइज लगाए गए हैं। इसी बल्ली के अंदर से जाना आना है। और गंगा जी का पानी आप सभी को बता दें कि बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। आइए थोड़ी करीब लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ आप सभी को गंगा जी की इस दिव्य भव्य और विकराल रूप लेने की वजह, और दिखाता हूँ कि कैसे गंगा जी बढ़ रही हैं। तो अभी मैं रेलिंग के अंदर, देखिए पूरी रेलिंग लगाई गई यहाँ पे, और इसी रेलिंग के सहारे दर्शन करने ऊपर जाना है। और यहाँ पे अभी भी वर्क बचा हुआ है, देख सकते हैं पूरी तरीके से अभी समाप्त नहीं हुआ है। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कैसे कैसे रेलिंग बल्ली लगाए गए हैं, ऐसे ही जाना है, यानी इधर उधर नहीं जाना है। बहुत बड़ी संख्या में लोग आज के दिन भी आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, और यूँ कहें तो घर से ही स्नान करके आ रहे हैं। ये देखिए ललिता घाट का नज़ारा, इधर बहुत से अभी वर्क बचे हुए हैं, रेलिंग भी कई गिर गया है, बल्लियाँ गिर गई हैं। तो ये नज़ारा देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना खूबसूरत है। यहाँ पे गंगा जी का पानी बढ़ चुका है, ये देख सकते हैं यहाँ पे इस जगह पूरा बल्ली लगा दिया गया है, पानी बढ़ गया है फ्रेंड्स और बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, आप सभी देख सकते हैं। कुछ दिन में ये सब भर जाएगा। अब बाढ़ का संकेत हो गया है, बाढ़ का संकेत आ रहा है। तो ये कवरेज देख सकते हैं पूरा एरिया, और वो जो स्पेस है वो पूरा भरा हुआ था कल के दिन, यानी पूरी बल्ली लगाई गई है, लाइन वाइज सभी लोग आ रहे थे। और आप सभी को बता दें जो विश्वनाथ गली है वो पूरी छूटी हुई थी, यानी उसको कवर नहीं किया गया था, सब कुछ वैसे का वैसा ही था। लेकिन आज देख सकते हैं काफ़ी खाली है, काफ़ी कुछ बचा हुआ है, जगह काफ़ी है, आप आसानी से आकर दर्शन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी टाइम तो लगना ही लगना है। और गंगा जी पूरी अब जलकुंभी से भर चुकी हैं, तो ये देखिए सकते हैं। तो लोग राजस्थान से आए हैं दर्शन करने के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं काफी बड़ी मात्रा में।
और नाव वालों की समझ चांदी चांदी है, यूँ कहें तो सोना भी है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जैसे तैसे पैसे ले ले जा रहे हैं। नहीं, कोई भी पैसा है तो वो कलेक्ट कर लिया जा रहा है नाम वालों की तरफ से, यानी कोई भी दाम लगा दिया जा रहा है। देखिए पूरी रेलिंग यहाँ पे फ्रेंड्स लगाई गई है और रेलिंग के अंदर से ही जाना है दर्शन करने के लिए, अन्यथा ऊपर जाने के बाद इसी रेलिंग के अंदर से आपको भेजा जाएगा दर्शन करने के लिए, क्योंकि बाहर से नहीं जाना है। तो ये रैम्प और ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है छोटे छोटे, इसके अंदर लाइटें लगाई गई हैं पूरा। काफ़ी क्यूट थी, काफ़ी अच्छा नज़ारा यहाँ का देखिए पूरा। और इधर से मैं आप सभी को दिखा चुका हूँ, फिर देख लीजिए पूरा एरिया। बिरला हाउस एंड ये पूरे मणिकर्णिका घाट पूरा ये देख सकते हैं कवर किया गया है। ये क्या है, फ्रेम है। और ये देख सकते हैं पूरी लकड़ियां लाई जा रही हैं। मणिकर्णिका घाट से रोड पर जाने का मार्ग है। अरे पैसे बात कट जाला के बर्बाद बर्बाद हो जाए। इधर रोड पे जा सकते हैं, मेन रोड पे मणिकर्णिका घाट इधर है। तारकेश्वर महादेव मंदिर सामने दिखाई दे रहा फ्रेंड्स। पूरा लकड़ियों का पूरा गट्ठा देखने को मिलेगा आप सभी को, यानी पूरी साज सामग्री सब कुछ देख सकते हैं यहाँ पे। और ये तारकेश्वर महादेव मंदिर है। देख सकते हैं पूरा इतना ज़्यादा यहाँ का तो सिक्का वो खाली बचा हुआ है और फुल पैसे में। और ये पूरी यहाँ पे बाइक वगैरह खड़ा कर सकते हैं, सब कुछ खड़े कर लेंगे आसानी से आप सभी। मणिकर्णिका घाट का नज़ारा है पूरा। तो दोस्तों आज के वीडियो बस इतना है, प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, अपने छोटे भाई की हेल्प करें। हाँ महादेव। तो आज के वीडियो बस इतना है, प्लीज़ सपोर्ट करते रहें ऐसे ही। चलते हैं।